सिटी की रसोई में हमारी आज की रेसिपी है क्रंची फ्रूट सैलेड। मैं हूँ सीमा सोनी और मेरे साथ में है मोनिका जैन जी। तो आज ये हमें सिखाने वाली हैं ये सैलेड जी। मोनिका जी, हाँ जी, ये सैलेड हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिला के बनाएंगे। ये एक क्रंची क्रिस्पी जिसमें हर तरह का फ्लेवर, स्वीट, सॉर, और ये एक ऐसा सैलेड है जो कि बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो स्वाद के साथ हेल्थ भी प्रेजेंट है। क्रंची क्रीमी सैलेड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। शुरुआत करें? या हाँ जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कैबेज। ये वेजिटेबल्स हैं जो मोनिका जी ने कट करी हुई हैं। ये बेल पेपर, थोड़ी सी कैरेट, कुकम्बर, कॉर्न्स, टोमेटो एंड कैप्सिकम। इन वेजिटेबल्स के साथ साथ हम अब डालेंगे फ्रूट्स, जिसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है एप्पल। ये इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों है। और ये जो एप्पल है ये बड़ा क्रंची और मीठा टेस्ट देता है इसको। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डालेंगे पोमीग्रेनेट, जो कि इसको बहुत अच्छा कलर, और साथ में इसमें डाल रहे हैं हम थोड़े से ग्रेप्स और थोड़ा सा ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज एक सीजनल फ्रूट है और आजकल बहुत अच्छा आ रहा है और बच्चों को ये बहुत पसंद होता है। कई बार जो बच्चे फ्रूट सैलेड नहीं भी खाना चाहते, ब्लूबेरीज देख के उनका मन करता है कि इसको खाया जाए, तो इसलिए मैंने इसमें ब्लूबेरीज ऐड करी। अब हम इसकी ड्रेसिंग की तरफ बढ़ेंगे। ड्रेसिंग में मैंने डाला है क्रीम और इसमें थोड़ी सी मेयोनीज, उसके अंदर हनी, ये हम डाल रहे हैं ब्लैक सॉल्ट, ये है मिंट जो कि हल्का सा क्रश करके इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस करता है सैलेड के फ्लेवर को। ये इसमें मिंट डाला है और इसके बाद थोड़ा सा हमने ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, फ्रूट सॉल्ट और लेमन। ये हमारी ड्रेसिंग रेडी हो गई है। अब हम इस ड्रेसिंग को इस सैलेड में पोर करेंगे। देखिए कितना कलरफुल है, इसमें सारे तरह के कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, येलो, तो ये बड़ा टेम्पटिंग लगता है। और टेस्ट भी सिर्फ वेजेस नहीं है तो फ्रूट्स भी हैं साथ में, तो बच्चे लाइक करते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही सुंदर, और बनने में तो बहुत ही आसान है। हाँ, ये वेरी क्विक रेसिपी। आपके पास जो भी फ्रूट्स, जो भी वेजेस हो, उसको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, एक पल्पी एक जूसी फ्रूट ले लिया और हर कलर की वेजेस ले ली, कैरेट, कुकम्बर, कुछ भी, और उसको चाहे तो आप इस ड्रेसिंग में बना सकते हैं। इसको और हेल्दी करने के लिए हम हंग कर्ड वाली सेम मेयोनीज और क्रीम की जगह हंग कर्ड यूज कर सकते हैं, वो और भी हेल्दी हो जाता है, उसमें बिल्कुल फैट फ्री हो जाता है वो। जैसे आजकल सब लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, उनके लिए वो और भी बढ़िया रेसिपी रहेगी। तो जल्दी से घर में बनने वाली, आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, आप हंकड़ यूज कर सकते हैं, शहद है, क्रीम है, तो बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी और बहुत ही हेल्दी। फाइनली हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे और इसको थोड़ा सा गार्निश के लिए भी रखेंगे। ये एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और फाइनल टच देता है हमारी रेसिपी को। सैलेड तो बन गया है, जितना सैलेड बनना जरूरी है उतना ही उसकी प्रेजेंटेशन जरूरी है। सबसे पहले हम आंखों से खाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट कर सकें तो इससे और भी अटेम्प्टिंग और अच्छा लगेगा। तो आज मैं यूज कर रही हूँ कुछ ऑरेंजेस और एप्पल, एप्पल जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है फॉर डेकोरेशन।
आपने तो इसको बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। थैंक यू, यही तो जरूरी है बच्चों को खिलाने के लिए, पहले इसको सजाना बहुत जरूरी है। अब हम इसके सेंटर में वही सैलेड सारा उसको पोर कर देंगे। वेरी नाइस। अब इसको हम थोड़ा और गार्निश करेंगे। ये मैंने छोटे छोटे से हार्ट्स बनाए हैं जो ग्रेप से बनाए हैं, एक और कलर ऐड करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर हार्ट बने हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत हार्ट्स बने हैं ये, इससे आपने इसको डेकोरेट कर दिया है। ये हैं ब्लूबेरीज जो एक कलर, एक अट्रैक्टिवनेस देंगे इस सैलेड को। आप चिप्स को इनके साथ सर्व कर सकते हैं सैलेड के साथ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा मील बन जाता है, बच्चे चिप्स और सैलेड खुश होके खा लेते हैं। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी क्रंची फ्रूट सैलेड। थैंक यू मोनिका जी, यहाँ आए और आपने इतनी बढ़िया रेसिपी जो कि विदाउट फायर है, इसमें आपको सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी है, आपने वो हमें रेसिपी सिखाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस तरह की और भी रेसिपीज आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई भी रेसिपी सीखना या हमें सिखाना तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।